धनबाद विधायक राज सिन्हा के द्वारा जगजीवन नगर स्थित अपने आवास या कार्यालय से श्रम विभाग अंतर्गत भवन निर्माण के 180 निबंधित मजदूरों के बीच पैंट शर्ट एवं साड़ी का वितरण किया गया। भाजपा की रघुवर सरकार में असंगठित मजदूरों की बड़ी संख्या में निबंधन किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें कई सारे लाभ दिए जाने थे। इसी योजना के तहत आज 100 महिला मजदूरों को साड़ी एवं 80 पुरुष मजदूरों को शर्ट पैंट का कपड़ा विधायक राज सिन्हा के हाथों दिया गया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि रघुवर सरकार ने असंगठित मजदूरों का बड़ी संख्या में निबंधन किया था और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत समय समय पर उन्हें वस्त्र वितरण की भी योजनाएं बनाई गई थी। पिछले सरकार में ही महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट आया था, लेकिन आचार संहिता और उसके बाद लंबे लॉकडाउन के चलते सारे वस्त्र यूं ही रखे रह गए थे, जिसका आज वितरण किया गया। पिछली सरकार जो रघुवर सरकार थी, उसमें ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन बड़ी मात्रा में किया गया था और उनके लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी। उसमें समय समय पर उनको वस्त्र वितरण का भी उनकी योजना थी और पिछले सरकार के समय में ही पुरुषों के लिए पैंट शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी आया था, लेकिन आचार संहिता लग गया, फिर चुनाव के बाद लॉकडाउन हो गया, इसलिए वो सारे वस्त्र रखे रह गए थे और उन्हीं को आज हम लोगों ने अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं इसको और भी आगे करूंगा। आज यहाँ पर अपने इस इलाके में पुलिस लाइन में मेरा पाड़ा इस सबसे जो भवन निर्माण से संबंधित जो जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों को लगभग आज 100 महिला और 80 पुरुषों ये संगठित मजदूर क्षेत्र में उनके कल्याण के लिए आज यह वस्त्र साड़ी और पैंट शर्ट का कपड़ा वितरण किया। ये बहुत सी योजनाएं कल्याणकारी चालू की गई थी रघुवर सरकार के समय में, खास करके असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, जो कार्य करने वाले हैं उनके लिए, चाहे वो बढ़ई समाज से हो या भवन निर्माण से जुड़े हो या अन्य तकनीक से जुड़े हो, सबके लिए अलग अलग था। उसी योजना को आज हम लोग कार्यान्वयन का कार्यान्वयन आज